welcome back to my channel. I am Niharika and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel. So, अभी मैंने last month एक video डाला था जिसके अंदर मैं reels के सारे basics आपको clear किए थे कि reels कैसे use करते हैं, text कैसे add करते हैं and मतलब जितने भी basics होते हैं reels के वो सब. अगर आपने वो video नहीं देखा है तो पहले ये video पहले वो वीडियो देख कर आओ और फिर ये वाला वीडियो देख लेना क्योंकि फिर इजी हो जाएगा. सो उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपको और कौन कौन से ट्यूटोरियल्स चाहिए इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के या कुछ भी. तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी ट्रांजिशन वीडियोस कैसे बनाते हैं या फिर स्लो मोशन वीडियोज कैसे बनाते हैं इंस्टाग्राम पे फॉर रील्स. जो स्लोमो वीडियोज है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे. आज हमारी डेडिकेटेड वीडियो होगी फॉर ट्रांजिशंस. सो इफ दैट इंटरेस्ट्स यू एंड यू वांट टू नो हाउ टू मेक ट्रांजिशन रील्स देन कीप ऑन वॉचिंग. सो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक ट्रांजिशंस बताऊंगी कि एक बेसिक ट्रांजिशन वीडियो कैसे बनता है. अगर आपको वो समझ आ जाए और आप वो बनाने लगोगे तो फिर आप कोई भी तरह की ट्रांजिशंस कर सकते हो. सो मूविंग फॉरवर्ड, ट्रांजिशन वीडियोस शूट कैसे करते हैं. ट्रांजिशन वीडियो शूट करने के दो तरीके होते हैं. एक कि आप डायरेक्टली रील्स यूज करके शूट कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे शूट कर रहे हो. दूसरा कि आपने अपने फोन से या अपने कैमरा से अलग से शूट किया है और फिर आप उसको एडिट कर रहे हो ट्रांजिशन वीडियो में और फिर उसको अपलोड कर रहे हो रील्स पे अपनी गैलरी में से. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वाली ट्रांजिशन रील. मैंने कैसे शूट की है यूजिंग रील्स लाइक द इंस्टाग्राम रील्स. कोई कैमरा नहीं, कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, सीधा मैंने रील्स पे शूट किया, रील्स पे ही एडिट करी है और ये आउटपुट है. ओके, सो द स्टेप वन इज टू चूज द साउंड. सबसे पहले आप साउंड चूज कर लो आपको किसके ऊपर शूट करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साउंड निकाल लिया है जिसपे मुझे शूट करना है. अब साउंड निकालने के बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है कि अपनी ट्रांजिशन डिसाइड करनी है कि आपको कहाँ कहाँ पर ट्रांजिशंस चाहिए और ट्रांजिशन के बाद एक्चुअल में आपको क्या मतलब क्या चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे टॉप चेंज करना है या अपना लुक चेंज करना है या सिर्फ इयररिंग्स चेंज करना है या सिर्फ नेकलेस चेंज करना है या हेयर डू चेंज करना है. तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रांजिशन किस चीज की चाहिए एंड कहाँ चाहिए. स्टेप थ्री इज टू चूज दी स्टेप्स. अपनी एक कोरियोग्राफी बना लो. फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट ट्रांजिशन जंप की चाहिए, सेकंड ट्रांजिशन राउंड घूमते हुए स्पिन की चाहिए, थर्ड ट्रांजिशन कपड़े उतारते हुए चाहिए. ऐसे आप अपनी पूरी कोरियोग्राफी बना लो कि कहाँ पे आपको क्या ट्रांजिशन चाहिए. ठीक है, आपने ये सब कर लिया उसके बाद यू आर सेट टू स्टार्ट शूटिंग. सो अब आपको सॉन्ग चूज कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे इस रील का सॉन्ग चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नीचे जो ओरिजिनल ऑडियो ऐसे यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, इस पर क्लिक करूँगी तो पूरा ऑडियो खुल के आ जाएगा. एंड यहाँ पे जो लिख कर आ रहा है यूज ऑडियो, इस पर क्लिक करूँगी तो हमारा सॉन्ग सेलेक्ट हो जाएगा कि हमें किस पे शूट करना है. सो हमने ये खोल लिया. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सबसे नीचे ऑप्शन है टाइमर का, यहाँ से सॉन्ग सेलेक्ट कर लेंगे. सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे जहां तक हमें चाहिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां पे हमें ट्रांजिशन करनी है वहां तक का हम सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट क्लिप बनाई थी ना उसका यहाँ पे जाकर देखो, हमें ऐसे सीजर दिख रहा है नीचे, वहां से एंड का हल्का सा ट्रिम कर देंगे ट्रांजिशन कंप्लीट करने के लिए. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जंप किया है तो मैं क्या करूँगी कि जंप करते हुए यहाँ तक का हाफ क्रॉप कर दूंगी पीछे से. एंड जो अब नई क्लिप बनाऊंगी उसमें उसकी स्टार्टिंग क्लिप क्रॉप करूंगी यहाँ से ताकि नीचे आए, तो वो एक स्मूथ मोशन लगेगा. ठीक है, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट रील दैट आई वांट टू शो यू गाइज इज दिस वन. ये मैंने अपने फोन से शूट की है और अलग सॉफ्टवेयर पे एडिट करी है और फिर मैं अपनी गैलरी में से रील्स पे अपलोड करूंगी ये वाली रील. तो जो ये वाली रील है इसको शूट कैसे करना है, इसके आपको फिर से वही तीन स्टेप्स मेन इंपॉर्टेंट है. पहला कि आप अपना साउंड निकालो कि आपको किस पे शूट करना है. दूसरा आपको कहाँ कहाँ ट्रांजिशन चाहिए, अपनी कोरियोग्राफी सेट करो. तीसरा कि आपको क्या
चेंज करना है, कपड़े चेंज करने हैं या क्या करना है, इसमें मैंने कपड़े चेंज किए हैं। इसके अंदर आपको दो चीजों का मेन ध्यान रखना है। पहला कि आप अपने कैमरा को एक ऐसी जगह, अपने फोन को एक ऐसी जगह रखो जहां से आपकी जो पोजीशन है फोन की वो चेंज ना हो, या तो किसी स्टैंड पे या फिर किसी स्टूल पे किसी के सहारे लगाकर, मतलब आपको अपने फोन की पोजीशन चेंज नहीं करनी है क्योंकि उस केस में हमारा फ्रेम चेंज हो जाएगा और फिर जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ नहीं लगेगी। सेकेंड ऑफ ऑल, हमें फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी फर्स्ट इस स्टॉप में कोरियोग्राफी कर ली, उसके बाद मैं जाऊंगी, चेंज करूंगी, वापस आऊंगी, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जो मेरी पोजीशन थी जहां मैं खड़ी थी, सेम उसी पोजीशन पे आकर मैं खड़ी हूं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जहां पे आप खड़े हो ना वहीं पे एक मार्क छोड़ दो, या तो अपनी चप्पल छोड़ दो, या फिर मैंने इयररिंग छोड़ दिया, या फिर टेप लगा दो, कुछ भी आप कर दो, लेकिन उस स्पॉट पे एक मार्क लगा दो ताकि जब आप चेंज करके वापस आओ तो आपको आपको पता हो कि आपको कहाँ पे खड़ा होना है। इट्स बेटर ऑलवेज कि आप जो साउंड है जिस पे आप ट्रांजिशन करना चाह रहे हो, जिस पे आप वीडियो बनाना चाह रहे हो, वो बैकड्रॉप में प्ले करो और फिर उसके बाद आप शूट करो। उससे बहुत इजीली आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने भाई के फ़ोन में गाना चला लेती हूँ और अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैं पूरी कोरियोग्राफी, फॉर एग्जांपल 15 सेकंड की कोरियोग्राफी है और मुझे तीन कपड़े बदलने हैं, तो मैं उन तीनों कपड़ों में वो पूरी पूरी कोरियोग्राफी शूट करती हूँ कम से कम दो या तीन बार। ठीक है, मैंने पूरे पूरे कपड़ों में, लाइक मैंने पर्पल टॉप में पूरी कोरियोग्राफी शूट कर ली, फिर उसके बाद मैंने ऑरेंज टॉप में पूरी कोरियोग्राफी शूट कर ली, उसके बाद अब मैं वीडियो, वो दोनों जो क्लिप्स हैं उनको मर्ज करूंगी। सो अब हम वीडियो एडिट कैसे करेंगे, हम करेंगे इन शॉट पे एडिट। मैंने एक क्लिप ऐड कर लिया है ऑरेंज टॉप वाला, अब मुझे सेकंड क्लिप ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो ऑप्शन है PIP का, इसमें जाऊंगी एंड क्लिप ऐड करूंगी, पूरा का पूरा फ्रेम में रख लूंगी। ठीक है, तो मैंने पूरा इसके ऊपर डाल दिया। अब जो मुझे पार्ट चाहिए वो मैं ऊपर से क्रॉप कर लूंगी। ठीक है, मेरा पार्ट क्रॉप हो गया। अब मैं क्या करूंगी, एक बार ना चेक कर लूंगी यहाँ पे एडिट क्लिप सेलेक्ट करके, मैं एडिट में जाऊंगी एंड इसकी हल्की सी ओपेसिटी डाउन करके मैं चेक कर लूंगी कि मैं इक्वल, मतलब एग्जैक्ट उसके ऊपर आया है कि नहीं आया। आया तो उसके बाद मैं क्या करूंगी कि छोटे छोटे इसके, जैसे मुझे यहां से लेकर यहाँ तक पर्पल चाहिए, मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, फिर मुझे इसमें ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सेकंड वाली क्लिप में जाकर, एडिट में जाकर इसकी ओपेसिटी बिल्कुल डाउन कर दूंगी। तो क्या होगा, ये देखो, ऐसे जो ऊपर वाली क्लिप है वो ऑरेंज हो जाएगी, मतलब उसकी मैंने ओपेसिटी बिल्कुल डाउन कर दी, तो नीचे वाली क्लिप आ जाएगी और ऊपर वाली नहीं रहेगी। तो इसी तरह से मैं पूरी क्लिप को एडिट करते चले जाऊंगी, जहाँ पे मुझे ऑरेंज टॉप चाहिए वहाँ पे मैं ऑरेंज टॉप रख लूंगी, जहाँ पे मुझे पर्पल टॉप चाहिए वहाँ पे मैं पर्पल टॉप रख लूंगी, और फिर एंड में म्यूजिक पूरा अगर आपको ऊपर से डालना है तो वो डालकर और फिर उसको सेव कर लेंगे। एंड दैट्स हाउ यू एडिट इन वन लाइक अ ट्रांजिशन रील वेयर ऑल दी स्टेप्स आर सेम बट ओनली दी आउटफिट्स आर चेंजिंग और समथिंग इज चेंजिंग, दैट्स हाउ यू शूट इट। ऐसे ही बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आजकल क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी क्लिप्स आती है जिसके अंदर वो मेकअप लगाया हुआ होता है पहले, फिर मेकअप हट जाता है, फिर वापस मेकअप आ जाता है, फिर कोई और आ जाता है और वो लिपसिंग कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही शूट करते हैं। वो अपने मेकअप के हर स्टेप में, फॉर एग्जांपल मैंने कंसीलिंग करी, कंसीलिंग में मैं पूरा जो मुझे गाना जिसपे शूट करना है उस पूरे की लिपसिंग करूंगी और अपने स्टेप्स बना लूंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो यू गाइज, आई रियली होप कि आपको थोड़ा सा भी समझ आ गया हो, ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए कि ट्रांजिशन रील्स कैसे शूट करते हैं। एंड आई रियली होप टू सी यू गाइज क्रिएटिंग मोर एंड मोर ट्रांजिशन रील्स नाउ, एंड टैग मी व्हेन यू डू सो, आई वुड लव टू सी योर क्रिएशन। And yeah, that's it. अगर आपको कोई और Instagram का tutorial चाहिए, जल्दी से comments में मुझे बता दो ताकि मैं next video उसी पे बना दूँ. Yeah, thank you so much for watching the video. You know the drill. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Also hit that bell icon so that you get notified every time I upload a video. Bye guys. Lots of love.